So Ornamental Gaming asked, sir, please make a video on Gorilla Tripod versus Flexible Tripod. So today is your lucky day. आज हम लोग इसी पे बात कर रहे हैं. So hello and assalamu alaikum everyone. This is Hussain Ahmed Khan and welcome back to my channel. आज हम लोग बात कर रहे हैं ट्राईपॉड्स की. सो जब से मैंने फिल्म मेकिंग या वीडियोग्राफी जो है वो स्टार्ट की है, तो शुरू से लेकर अभी तक मुझे ट्राईपॉड्स, मतलब मैं शायद इसको थोड़ा हकीर टाइप का एक इक्विपमेंट समझता था, तो मतलब जो भी मिल गया तो ठीक है. लेकिन ये फीलिंग मेरी तब तक थी जब तक मैंने एक प्रॉपर ट्राईपॉड यूज़ नहीं किया था. एंड फिर उसके बाद मुझे समझ आई कि एक अच्छा ट्राईपॉड होना एक फिल्म मेकर के लिए या एक फोटोग्राफर के लिए कितना ज़रूरी है, और ख़ासकर उन फोटोग्राफर्स के लिए जो कि लो शटर के ऊपर शूट करते हैं या नाइट फोटोग्राफी में आप बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, या अगर आप इस किस्म की फ़ोटोज़ जो है लेने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो डेफिनेटली यू नीड अ ट्राईपॉड. इसके अलावा इवन अगर वीडियोग्राफी में हम लोग बात करें, तो हमें टाइम लैप्स के लिए, मोशन लैप्स के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हमें ट्राईपॉड चाहिए होता है. प्लस ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे आपको, मतलब इवन मैं इस किस्म की वीडियो बना रहा हूँ, मुझे इस वक्त भी ट्राईपॉड की ज़रूरत है. अब किस किस्म का ट्राईपॉड आपको शुरू में लेना चाहिए, या किस टाइप ऑफ वीडियोग्राफी के लिए किस टाइप का ट्राईपॉड यूज़ होता है, उसकी बात करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास आता है टेबल टॉप ट्राईपॉड्स. अब टेबल टॉप ट्राईपॉड्स का मतलब ये होता है कि छोटे ट्राईपॉड्स होते हैं जो आप बेसिकली टेबल के ऊपर या किसी सरफेस के ऊपर रख कर जो है अपना कैमरा एडजस्ट कर सकते हैं. मेन चीज़ होती है इसमें बॉल हेड की, कि आप अपने कैमरे की जो डायरेक्शन है वो आप इसमें चेंज कर सकें. लेकिन ये आपकी चीपेस्ट ऑप्शन होती है. एंड आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि जब भी आप ट्राईपॉड्स लें, तो कोशिश करें कि अगर आप ब्रांडेड ट्राईपॉड अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ब्रांडेड ट्राईपॉड लें. अगर टेबल टॉप ट्राईपॉड्स की हम लोग बात करें, तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस मेरे ख्याल से 500 रुपये से स्टार्ट होती हैं एंड इट गोज़ अप टू 5-6 हज़ार रुपये की ऑप्शन तक जाती हैं. अब ज़रूरी नहीं है कि आप 5-6 हज़ार वाली ऑप्शन ही लें, लेकिन 2-2.5 हज़ार रुपये का जो आपको मिल जाता है वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा काम करता है. फ़ायदा इसका यह है कि ये इंतहाई पोर्टेबल है, ये आपके स्मॉल सेटअप्स को बड़ी अच्छी तरीके से जो है मैनेज कर सकता है. अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा ये सपोर्ट कर सकता है. इसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ ट्राईपॉड जो है वो सबसे वास्टली यूज्ड है व्लॉगिंग में, एंड दैट इज़ गोरिल्ला ट्राईपॉड्स. गोरिल्ला ट्राईपॉड्स आपने देखे होंगे अक्सर व्लॉगर्स के पास होते हैं, जो कि बेसिकली एडजस्टेबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, किसी भी शेप में आप उसको लेकर जा सकते हैं. इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको कहीं पे भी किसी भी शेप में इसको मोल्ड कर सकते हैं. अगर आप किसी चीज़ के साथ इसको अटैच करना चाहते हैं, आप इसके टांगे जो है उसके इर्द-गिर्द जो है रैप कर दें एंड इट विल वर्क फॉर यू. इसके अलावा इवन अगर इसको आप एज अ टेबल टॉप जो है वो यूज़ करना चाहते हैं, तो टेबल टॉप ट्राईपॉड भी इसको यूज़ कर सकते हैं. इसमें जो बेहतरीन कंपनी है जिसका बहुत मशहूर ज़माना एक ट्राईपॉड चल रहा है, दैट इज़ जोबी. अब जोबी का जो ट्राईपॉड है वो है तो बहुत अच्छा, लेकिन मसला उसमें सबसे बड़ा ये है कि वो बहुत ज़्यादा महंगा है. मतलब अगर पाकिस्तान में हम लोग देखें, तो इस वक्त आपको तकरीबन 12-14 हज़ार के बीच में वो मिलेगा, विच आई बिलीव कि उसमें आप एक 50mm लेंस ले सकते हैं, आप उसमें अपने लिए एक कन्वर्टर ले सकते हैं जो आपके मतलब लेंसेज के साथ चल सकता है. इसके अलावा इसमें आप एक बहुत अच्छा माइक्रोफोन भी अपने लिए ले सकते हैं. सो नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू इफ़ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट ऑन दैट, कितना आपको वो वैल्यू ऐड करेगा आपके गियर में, ये अब आप पे है. लेकिन इसमें अगर इसकी प्राइस को हम लोग साइड पे रखें, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस दैट यू कैन हैव. अदरवाइज मार्केट में इसकी कॉपीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी. मैं खुद भी जो है इसकी कॉपी एक यूज़ करता रहा हूँ काफ़ी टाइम तक, जो कि आपको 1500 से 2000 के बीच में जो है नॉर्मली मिल जाता है. मसला सिर्फ ये होता है कि ऑब्वियसली जो फंक्शनैलिटी उसकी है, खासकर उसके साथ जो उसका बॉल हेड आता है वो अपना ही आता है, एंड इट्स फेनोमिनल उसको यूज़ करना. इट्स लाइक अमेजिंग, लाइक द एक्सपीरियंस इज अमेजिंग. सो ये आपके पास कुछ ऑप्शंस हो सकती हैं. इसके बाद अगर हम लोग बात करें थोड़े प्रोफेशनल साइट के ऊपर, तो उसमें आपको चाहिए होते हैं फुल साइज ट्राईपॉड. अब इसका कोई स्पेसिफिक कैटेगरी का नाम मुझे नहीं मिल रहा था, तो इसको हम फुल साइज ट्राईपॉड ही कह देते हैं. अब यहाँ पे मैटर क्या क्या करता है जब आप फुल साइज ट्राईपॉड ले रहे होते हैं. सबसे पहले लेंथ मैटर करती है, कि आप खड़े होकर वीडियोस बनाना चाहते हैं, या आपने ऐसी फोटोग्राफी करनी है लैंडस्केप, या फॉर एग्जांपल जो है आपने ग्रुप फोटोज़ देनी है जिसमें लोग खड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली आप नहीं चाहेंगे कि आपका कैमरा जो है वो लोगों की वो आई लेवल से जो है वो नीचे हो, तो उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा मैटर करती है. दूसरा अगर इसमें हम लोग बात करें, तो इसमें जो लॉक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. इसमें आपके पास एक आएंगे ट्विस्ट लॉक्स, दूसरे आपके पास आते हैं इस किस्म के फ्लिप लॉक्स. तो ये जो फ्लिप लॉक्स हैं ये सबसे ज़्यादा पायदार हैं. प्लस जो है इसमें आपको प्लस पॉइंट ये मिलता है कि इट्स वेरी क्विक टू एडजस्ट. अगर आपके पास जो है वो ट्विस्ट वाले हैं, तो वो आप घुमाते ही रहोगे, बीच में आपका सीन जो है वो निकल जाएगा. तो बेहतर ये है कि इसमें आप अगर आपको फ्लिप लॉक्स मिलते हैं, सो दैट इज़ अ मस्ट. इसके बाद जो तीसरी चीज़ इसमें मैटर करती है वो है इसका वेट.
अब ये जो दो मेरे पास इस वक्त ट्राईपॉड पड़े हुए हैं, ये लाइट वेट हैं, छोटे सेटअप्स के लिए अच्छे हैं, लेकिन अगर आपने प्रोफेशनली काम करना है तो कोशिश करें जो प्रॉपर बड़े हैवी ट्राईपॉड्स होते हैं। इससे होता ही है कि आपका जितना ट्राईपॉड हैवी होगा, एक तो आपकी इक्विपमेंट जो है वो सेफ रहेगा, दूसरा ये होगा कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, अगर फॉर एग्जांपल तेज़ हवा चल रही है या फॉर एग्जांपल साइड से कोई गुजर गया या किसी की टांग लग गई या कुछ भी हो गया, तो वो आपका फ्रेम डिस्टर्ब कर सकता है। सो इट्स बेटर कि अगर इसके अंदर आप एक हैवी ड्यूटी लेना चाहते हैं तो बेहतर यह है कि जो बड़े लोहे के, स्टील के जो आते हैं वो बेहतर है, अदरवाइज बिगिनर जो है वो आप ये एल्युमिनियम वाले भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप आइकन के ट्राईपॉड ज़रूर चेक करें, क्योंकि वो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी इस वक्त दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो ये पीछे ट्राईपॉड पड़ा हुआ है, ये भी आइकन का ट्राईपॉड है। कुछ ऑप्शंस जो है वो मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दूंगा। इसमें इवन इस किस्म के भी ट्राईपॉड्स आपको मिलते हैं जो कि आपके मोनोपॉड प्लस ट्राईपॉड जो है वो काम करते हैं। किस तरीके से करते हैं उसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन फॉर नाउ दीज आर सम ऑफ द मॉडल्स जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने बिगिनर लेवल, अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं या वीडियोग्राफी कर रहे हैं। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ ट्राईपॉड्स हैं, एंड ट्राईपॉड की ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, एंड इसके ऊपर आई एम थिंकिंग कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि किस तरह आप क्रिएटिवली ट्राईपॉड को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इसको बड़ा खुश्क इक्विपमेंट जो है वो समझा जाता है। सो दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, जस्ट लाइक दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।